नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 नेटवर्क पर। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और हमारे साथ है पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी, जिन्हें आजकल आप सोशल मीडिया पर खूब देख भी रहे होंगे। लगातार ये अपनी जो अनमोल टिप्स से जो ऑडियंस है उनको फायदा पहुंचाने का काम करते ही रहते हैं। डॉक्टर भाटी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आई होप मैंने सही आपका परिचय दिया हो। नहीं, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बीमारी होने से पहले उसकी रोकथाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसी दिशा में हमारी एक कोशिश है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, यूथ को खास तौर पे अवेयर कर पाएँ। जी, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये कहा भी जाता है, हम पढ़ते भी आए हैं। लेकिन क्या है कि ह्यूमन टेंडेंसी कह लीजिए कि हम इतने आलसी हो जाते हैं कि जब तक हमें लैब रिपोर्ट्स में ना दिखे कि भाई खतरा है, तब तक हम कुछ करने को तैयार नहीं होते हैं। होता अक्सर क्या है, कई बार बॉडी हमारे कई सिग्नल्स देती है, बट जब सिग्नल दे रही है तो इसका मतलब काफ़ी देरी हो गई है। जो लैब रिपोर्ट की बात की, लैब रिपोर्ट का बेसिकली काम क्या होता है, पहले से वो आपको बता देती है कि कुछ बदलाव लैब रिपोर्ट में आ गया तो काफ़ी देरी हो चुकी होती है तब तक तो। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँगा तो, क्योंकि लैब रिपोर्ट तो सिम्टम आने के बाद आपकी पैथोलॉजी, मतलब आपको कोई ना कोई बीमारी हो गई, पर हमें तो बीमारी को पहले से पकड़ना है ना, लक्षणों को पहले से पकड़ना है, कैच करना है। तो उसी में आपका जो ज़्यादातर डायग्नोस्टिक का एक काफ़ी बड़ा रोल आ जाता है, और ख़ास तौर पे यूथ के लिए, क्योंकि उनकी जिस तरह की लाइफस्टाइल है, उनकी जिस तरह की दिनचर्या है, उनका जिस तरह से एक स्ट्रेस लेवल है, तो बहुत सारे कई ऐसे फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं यंग हार्ट अटैक को, कैंसर को, और जैसी और भी कई तरह की प्रॉब्लम देख रहे हैं। डॉक्टर भाटी, इन पर तो हम डिटेल से बात करेंगे ही आपसे ऑफकोर्स, लेकिन पहले मैं आती हूँ स्ट्रेस पर, क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि हर बीमारी, आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे वो आपको बोलेगा कि कहीं आपको कोई स्ट्रेस तो नहीं है, अगर आप किसी हार्ट डॉक्टर के पास जाएंगे, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास, तो वो भी आपसे पूछेगा कि आपकी लाइफ स्ट्रेसफुल तो नहीं है, या आपका जो वर्क प्रोफाइल है वो स्ट्रेसफुल तो नहीं है। स्ट्रेस हर किसी के पास है, हर किसी की बॉडी के अंदर है, बस वो उसे आइडेंटिफाई कैसे करे कि वो स्ट्रेसफुल है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है पहचानना। बिल्कुल, आपने तो जैसे बात की, ये तो हम सभी जानते हैं कि स्ट्रेस का इफेक्ट हमारे हार्ट के ऊपर आता है, या ओवरऑल स्ट्रेस का इफेक्ट हमारी हेड टू लेके टो तक शरीर के हर पार्ट पर पड़ता है। चाहे डायबिटीज ले लीजिए, चाहे ब्लड प्रेशर ले लीजिए, ये तो हम सभी जानते हैं, पर आप क्या जानते हैं कि स्ट्रेस की वजह से आपकी स्किन पे भी इफेक्ट आता है। इवन एक्ने का भी एक बहुत बड़ा रीजन है स्ट्रेस। आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो भी पूछेगा अगर आपके एक्ने बार बार हो रहे हैं कि आपकी स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल तो नहीं है। तभी टीनेज में जो एक्ने होते हैं, क्या वो भी स्ट्रेसफुल होते हैं, क्योंकि एडल्ट एक्ने में तो स्ट्रेस का रोल होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए स्ट्रेस क्या करता है ना, स्ट्रेस आपके हार्मोन सिस्टम को पूरा डिस्टर्ब कर देता है। आपने सुना होगा स्ट्रेस हार्मोन, तो स्ट्रेस हार्मोन क्या, जैसे कोर्टिसोल लेवल हो गया, अगर कोर्टिसोल लेवल आपका बढ़ रहा है ज़्यादा, तो डेफिनेटली आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, आपका इंसुलिन इम्बैलेंस होगा, तो वो अल्टीमेटली आपके पिंपल का एक कारण बन सकता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और स्ट्रेस कैसे स्किन से लिंक्ड है, क्योंकि जब आप स्ट्रेसफुल होते हैं किसी भी सिचुएशन में, तो आप ओवर ईटिंग करते हैं, आप बहुत ज़्यादा कुछ, आपको क्रेविंग होती है कुछ सॉल्टी खाने की, कुछ मीठा खाने की, तो इसलिए स्ट्रेस भी डायरेक्टली लिंक्ड है आपकी स्किन से, आपकी स्किन हेल्थ से। ये मैं रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जब भी बहुत स्ट्रेस होती हूँ, स्ट्रेस आउट फील करती हूँ, तो मैं, मुझे मन करता है बहुत मीठा खाने का या बहुत नमक खाने का, जबकि मैं वैसे अब डाइट पर ध्यान देती हूँ, नहीं खाती हूँ, लेकिन जब भी मैं कहीं फंसती हूँ या मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है, चाहे वो वर्क का हो या फैमिली का हो, तो मेरा मन करता है बहुत मीठा खाने का या बहुत नमक खाने का। तो कई बार क्या होता है कि देखिए, जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, अब आजकल कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल आपको बाहर सोशल ऐसी चीजें तो नहीं चाहिए, स्ट्रेसफुल सिचुएशन कोई भी हो सकती है। इवन आपने कोई मैसेज रीड किया, आपने कोई कमेंट देखा और उसके बाद ही आप ट्रिगर हो गए, वही आपके लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गई। उस समय क्या होता है कि उस स्ट्रेस को एज ए स्ट्रेस बस्टर हम कई बार या तो मीठा खाएंगे, अब मीठा खाया आपने, आपका डोपामिन रिलीज हुआ, आपको थोड़े टाइम के लिए अच्छा फील हुआ, या आपने देखा होगा कि कई लोग स्मोकिंग को एज ए स्ट्रेस बस्टर इस्तेमाल करते हैं। वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेस बस्टर हो सकता है, पर किसी भी तरह की एडिक्शन, मीठा खाना, किसी भी तरह का स्पाइसी ऑयली कुछ भी खाना, फ्राइड कुछ भी खाना, कोई भी किसी भी तरह की एडिक्शन को आप एज अ स्ट्रेस बस्टर इस्तेमाल करते हैं। कई लोगों का आपको लगता होगा कि बार बार चाय पीना शुरू कर देंगे, तो कुछ भी आपका एज अ स्ट्रेस बस्टर, पर कोई भी एडिक्शन डेफिनेटली वो आपको नुकसान ही करेगा।
बहुत अच्छी बात आपने की डॉक्टर भाटी, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि जब बारिश होती है तो हम डीप फ्राई खाने का क्यों मन करता है, क्योंकि बारिश क्या है, आपको लथार्जिक फील कराता है, और ये डीपली फ्राइड फूड जो है वो हमें एक अच्छा एक गुड हार्मोन रिलीज करता होगा। एग्जैक्टली बिल्कुल, हमें क्या करना है, गुड हार्मोन रिलीज करना है, लेकिन वो हम गलत तरीके से रिलीज कर रहे हैं। तो उसमें क्या हो गया ना, हमने हर चीज को जोड़ दिया है कई बार, जैसे अभी सेलिब्रेशन होने, अब जो भी त्यौहार आने वाले हैं, फेस्टिवल आने वाले हैं, तो हर एक त्यौहार के लिए स्पेसिफिक एक तरह की डाइट होती है, हम उसको लिंक कर देते हैं, हर एक छोटे छोटे सेलिब्रेशन को हम डाइट से लिंक कर देते हैं कि इसमें हम ऐसा खाएंगे, बारिश में पकौड़े खाने का मन है, या वहाँ के लिए पर्टिकुलरली उस जगह की वो फेमस चीज़ है, हमें वो खाना, तो उन चीज़ों को जितना हो सके हमें अवॉइड करना। और हिंदुस्तान तो त्योहारों का देश है ना, यहाँ पर सावन का मतलब घेवर हो गया, होली का मतलब गुजिया हो गया, ईद से वही है, दिवाली में मिठाई हो गई। नहीं, वो बहुत अच्छी बात है, आपका फेस्टिवल और ये भी आपके एज ए स्ट्रेस बस्टर होता है। इनफैक्ट मैं तो ये दर्शकों को एडवाइस करूंगा कि स्ट्रेस बस्टर के लिए ऐसे कुछ ना कुछ आपको अपने रिचुअल्स बनाने ज़रूरी हैं, डेली की लाइफ में भी हमें अपने रिचुअल बनाने ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आपको पूरे दिन का पता है सुबह कि मुझे जल्दी सुबह उठना है, उठने के बाद मुझे वॉक करना है या जिम करना है या कोई एक्सरसाइज करनी है, तो ऐसे कुछ रिचुअल्स आप बना के रखेंगे कि ऑफिस से जाने के बाद घर पे मुझे ये कुछ चीज़ें करनी है, तो वो रिचुअल बहुत ज़रूरी है। त्यौहार हमें यही याद दिलाता है कि दिवाली पे कई बार हमें लगता है हमें शॉपिंग करनी है, हमें सफाई करनी है, तो ये रिचुअल, तो डेली ऐसे कुछ रिचुअल हमें भी अपनी लाइफस्टाइल में बनाने चाहिए। रिचुअल, आपने स्ट्रेस की बात की, एज ए स्ट्रेस बस्टर काम करता है। देखिए, स्ट्रेस एक बार तो कई बार आप गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो उस टाइम तो आपको एकदम अचानक से ब्रेक लगाना है, तो फाइट एंड फ्लाइट उस समय तो ज़रूरी है, उस तरह के हार्मोन आपके प्रोड्यूस होंगे और आप तुरंत एक्शन लेंगे, पर हर समय अगर आपको क्रॉनिक स्ट्रेस है, आप कह रहे हैं कि मैं बर्न आउट हो गए हूँ, तो वो अचानक से बर्न आउट नहीं होता है, वो धीरे धीरे होना शुरू होता है, तो क्रॉनिक स्ट्रेस हमारे लिए ठीक नहीं है कि हम बार बार छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अगर हम स्ट्रेस्ड हो रहे हैं। हम एक टाइप ए टाइप की पर्सनैलिटी, आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ काम जल्दी जल्दी करना है, तो थोड़ा सा हमें ये ध्यान देना है। इसमें स्ट्रेस के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है कि आपको अगर कुछ भी ऐसा लगता है, कोई ऐसी सिचुएशन आई है, आपने कोई ऐसा मैसेज पढ़ा या कोई भी ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तो थोड़ा सा वहाँ पर रुकना है, आपको पॉज देना है, क्योंकि स्ट्रेस के टाइम हम सिंपैथेटिक सिस्टम में चले जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा पैरासिंपैथेटिक मतलब थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड पे जाना है, वहाँ पर थोड़ा सा आप पॉज करके ब्रेक लीजिए, उसके बाद फिर आप उस सिचुएशन में जाइए। कई बार हम कोई भी ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है और उसमें हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं और वो रिएक्शन कई बार गलत होता है, तो इसीलिए थोड़ा वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है। पर वहाँ पर एक चीज़ और भी मैं बताऊँगा कि वो वहाँ पर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कई बार वो ट्रिक काम नहीं आएगी। आपने सुना होगा कई बार कि आपको गुस्सा आ गया तो आपको कहा जाता है कि आप डीप ब्रीदिंग करिए, उस टाइम आप कर ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल वो पहले से आपको प्रैक्टिस करनी है। एग्जैक्टली exactly, तो आपको प्रैक्टिस पहले से करनी है, इवन एडिक्शन के लिए भी आपको पहले से प्रैक्टिस करनी है, कि ऐसा नहीं है कि कोई कहता है कि मुझे मीठा छोड़ना है, अच्छा कल से मीठा बंद, ऐसा होता नहीं है अक्सर। प्रैक्टिकली इसका सलूशन यही है कि आपको एटलीस्ट एक महीने के लिए तो थोड़ा सा बॉडी को पुश करना भी पड़ेगा कि आप कुछ भी हो जाए एक महीने आपको नहीं खाना। आपने ऐसा देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि कल से मेरी एक्सरसाइज शुरू, हम भी देखते हैं कई बार जब लैब रिपोर्ट देखते हैं कोलेस्ट्रॉल हाई है तो वो कहते हैं कि अभी कल से तो मैं रेगुलर एक्सरसाइज करूंगा, बट ऐसा एकदम से आपको करना ज़रूर है, बट कुछ टाइम के लिए आपको पुश ही होना है। फॉर एग्जांपल आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है कुछ भी, बट आपको अपनी हैबिट बनाने के लिए एक महीना थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, किसी भी तरह की चीज़ को छोड़ने के लिए या कोई नई हैबिट बनाने के लिए। क्योंकि आपने यहाँ पर स्ट्रेस का ही जिक्र किया और आजकल हम देख रहे हैं कि हर चीज़ में डॉक्टर पहले यही कहता है कि आप कितना स्ट्रेसफुल आपका लाइफस्टाइल है, पहले आप वो एक्सप्लेन कीजिए या खुद समझिए। और क्रोनिक पेन भी है, उसकी भी एक बड़ी वजह होती है स्ट्रेस, क्रोनिक स्ट्रेस आपने कहा। मैं वापस आऊँगी, जो आजकल खबरें आ रही हैं, जिम में आप वर्कआउट कर रहे हो, अचानक से आपको दिल का दौरा पड़ता है, आपकी डेथ हो जाती है। कहीं आप डांस कर रहे हैं, किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा है, वहाँ किसी की डेथ हो रही है। कोई एग्जामिनेशन हॉल में है, वहाँ किसी की डेथ हो रही है। कोई ऑफिस पहुँच रहा है, उसकी वहाँ डेथ हो जा रही है। इसके पीछे भी स्ट्रेस वजह है, या हम कुछ ऐसे प्रिवेंटिव केयर ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें हम जान सकते हैं कि पहले ही कि हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में? देखिए, कुछ कुछ तो हमें पता है, रिस्क फैक्टर, नॉन रिस्क फैक्टर है जिनके बारे में हम जानते हैं कि डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, आपका ब्लड प्रेशर एक रिस्क फैक्टर है जो हार्ट अटैक को, हार्ट डिजीज़ को, स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, इवन यंगस्टर्स में देखें तो स्लीप डिप्रिवेशन होना, नींद पूरी नहीं होना, वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। डेफिनेटली स्ट्रेस के बारे में जैसा बात करें, स्ट्रेस तो अफेक्ट करता ही करता है, पर बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं।
पर कई बार आपने देखा होगा कई लोग डायबिटिक भी नहीं होते, हाइपरटेंसिव भी नहीं होते, उनकी कोई ऐसी फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, तो वहाँ पर कई बार ये जो प्रिवेंटिव टेस्ट है ये इनका एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है। तो कई बार इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप अर्ली 30s में एटलीस्ट कुछ अपनी बेसिक जाँचें करा के देख लें। आपने जैसे जिम के लिए पूछा, आपने देखा होगा जिम या मैराथन करते हुए या कई बार कोई भी हैवी एक्जर्शन वाली एक्टिविटी, जैसे अभी नवरात्रों में गरबा शुरू हो जाएगा, हमने लास्ट ईयर सुना था गरबा के दौरान हार्ट अटैक और इस तरह के केसेस, तो आप कोई भी हैवी एक्जर्शन वाली एक्टिविटी करते हैं तो आप ये तो जान लें कि जिम जाने के लिए आपका हार्ट फिट है कि नहीं। आप हम देखिए स्टेयर्स पे जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, अगर कोई लोग हमेशा लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं और एकदम अचानक वो सीढ़ियों पे चलता है 10 स्टेयर्स तक जाता है तो उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, उसको आदत ही नहीं है, उसका हार्ट उसके लिए प्रिपेयर नहीं है। बिल्कुल। तो पहले आपको ये चेक करना है कि आपका हार्ट क्या रेडी है उस तरह से ट्रेडमिल करने के लिए या मैराथन दौड़ने के लिए या उस तरह का डांस करने के लिए, तो उस लिए थोड़ा पहले से प्रैक्टिस भी करिए और साथ के साथ कुछ जांच होती है जिस जांच के जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी बीमारियां होती है, कंजनाइटल एबनॉर्मैलिटीज़ होती है, कार्डियोमायोपैथी वगैरह, वो कई बार सिम्टम्स नहीं देती है, तो उसके लिए कुछ बेसिक से जाँच जैसे इकोकार्डियोग्राफी कराना अगर आप हैवी एक्जर्शन वाली एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि क्या होता है कि हम समझते हैं कि फिटनेस का मतलब है या हमें फिट होना है, वेट लूज़ करना है या वेट गेन करना है, हम फौरन भाग कर जिम में एनरोल करवा लेते हैं, यानी कि जिम जाने से पहले भी हम कुछ टेस्ट करवा ले तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कौन कौन से टेस्ट होते हैं डॉक्टर? हाँ एग्जैक्टली, तो कुछ रिस्क फैक्टर तो हमें अपने पता होने चाहिए, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये तीन चीज़ें, जैसे अभी कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस भी आई है कि 18 साल की उम्र में ही आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल जाँच लें। कोलेस्ट्रॉल में एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको LDL कहते हैं, वो आपको 100 से कम का रखना है, पर कई लोगों के अंदर 70 से कम करने के लिए भी रिकमेंड किया जाता है। तो पहली बात, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ा कारण होता है आपकी जो प्लाक बनने का, और वो प्लाक ही रप्चर होता है कई बार जो सडन हार्ट अटैक वगैरह की जब हम कई बार बात करते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़रूर कराना। ब्लड प्रेशर आपको कंटिन्यूस रहता है, ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, कई बार लोग कहते हैं कि नहीं मुझे कभी कभी होता है, नहीं, ब्लड प्रेशर अगर आपका हमेशा बढ़ा हुआ है वो एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, तो उसके लिए आप अपनी रेगुलर अगर ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन दी है तो आपको लेना है, अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी तरह से डायबिटीज़ के लिए आप टेस्ट करा लीजिए, हालांकि आजकल क्या होता है कि आप प्री डायबिटीज़ आपको डिटेक्ट करना ज़रूरी है, जिसके लिए HbA1c नामक एक टेस्ट होता है, वो पहले से बता देता है कि कहीं आप बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ तो नहीं है, तो उसमें एक वैल्यू होती है जिसको अगर आप 6 पे पहुँच गए हैं तो इसका मतलब आप बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ पे। इवन अभी जो ICMR की रिसर्च आई थी उसमें बताया गया था कि भारतीयों के अंदर जो छोटे शहर हैं वहाँ पर लोग ज़्यादा प्री डायबिटिक हैं, और जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर ज़्यादातर लोग डायबिटिक हैं। तो प्री डायबिटीज़ मतलब बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ अगर आपको हो रही है, तो उस समय अगर आप अपनी जीवन शैली लाइफस्टाइल में बदलाव करेंगे, नींद ठीक करेंगे, स्ट्रेस लेवल को करेक्ट करेंगे, अपनी डाइट को ठीक करेंगे, तो वो बॉर्डर लाइन को आप ठीक कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, तो एक आपको वो टेस्ट कराना जरूरी है। बाकी कुछ एडवांस टेस्ट है वो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके करा ये सकते। बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि एक बार मैं ट्रैकिंग के लिए जाने वाली थी तो मुझे ये एडवाइस किया गया कि आप ट्रैकिंग अगर आपको 6 महीने बाद जानी है तो 6 महीने से आप अपने अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना शुरू कीजिए, वॉक कीजिए, आप रनिंग कीजिए, लेकिन गोल सेट कीजिए, उसके बाद आप अपना उस तरह से पूरा वर्कआउट प्लान कीजिए। तो ये बहुत काम की टिप्स है, क्योंकि गरबा का सीजन आने ही वाला है। yes. जिम हम ज्वाइन करते हैं तो उससे पहले क्या कुछ हमें प्रिवेंशन हमें टेस्ट करवाने हैं वो डॉक्टर साहब ने बता ही दिया है। डॉक्टर भाटिया, मैं आगे बढ़ती हूँ, एक और जो आजकल हम बहुत बात कर रहे हैं, क्योंकि शायद वो ड्यू टू अवेयरनेस है, डिप्रेशन, हमें मेलनकोलिक फील होना। पहले क्या था कि हम इतने अवेयर नहीं थे कि हम अपने थॉट्स को जान पाएं कि हम डिप्रेस्ड हैं या नहीं, हम फीलिंग ब्लू वाले कंडीशन में हैं या नहीं है, ज़रा इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, देखिए डिप्रेशन, एंग्जाइटी होना, इवन स्ट्रेसफुल होना, ये बड़ी आजकल हम कॉमनली इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर डेफिनेटली अवेयर ज़रूर होना है। कई बार आपने सुना होगा, ज़्यादातर लोग बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा वर्क का प्रेशर है, बहुत ज़्यादा काम है, तो पता नहीं जो मैं
काम कर रही हूँ ठीक है कि नहीं, मैं अपना 100% दे पा रही हूँ कि नहीं दे पा रही हूँ, तो कई बार इस तरह के थॉट्स हमें चलते रहते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है थोड़े इस तरह की बॉडी सिम्टम दे रही है आपको? सिम्टम तो नहीं देती, क्योंकि पहले कई बार फिजियोलॉजिकल होना अलग बात है, आप एग्जॉस्टेड है फॉर एग्जाम्पल, किसी वजह से बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर या किसी भी कारण की वजह से एग्जॉस्टेड आप हो सकते हैं, पर अगर उसकी वजह से आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो रही है, उसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अफेक्ट हो गया, आपने सुना होगा IBS करके, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस होती है, एंग्जाइटी होती है, उसका असर हमारे पेट के ऊपर आता है, तो पहले आपको पेट के सिम्टम आने शुरू होंगे, इवन कॉन्स्टिपेशन भी लिंक्ड है स्ट्रेस से। जो स्ट्रेसफुल लोग हैं, ज़्यादा जो स्ट्रेस लेते हैं, उनका पेट हमेशा डिस्टर्ब रहता है। तो अगर बॉडी में ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो आपको इग्नोर नहीं करना, आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं और स्ट्रेस को कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए हम जैसे बात कर रहे थे अभी, हमने फिजिकल हेल्थ की बात की, फिजिकल हेल्थ के लिए हमने जिम की बात की, ऐसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए भी इमोशनल जिमिंग करनी है। अब ये इमोशनल जिमिंग क्या हो गई कि मैं अपनी, ये नया टर्म है, इमोशनल जिमिंग। तो इमोशनल हेल्थ के लिए कैसे, क्योंकि इमोशंस को तो आपको रेगुलेट करना आना चाहिए ना। कई बार हम इमोशनल इस तरह की उस पर डिसीजंस ले लेते हैं, हमेशा हम फाइट एंड फ्लाइट पे, जैसा अभी हमने बात की, उसमें रहते हैं, तो थोड़ा सा हमें उसको रेगुलेट करना आना चाहिए। पर उसके लिए भी ज़रूरी है कि प्रैक्टिस करनी है। सिचुएशन में आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाएंगे, डिप्रेशन की जैसे आपने बात करी, क्योंकि डिप्रेशन होना, क्लिनिकल डिप्रेशन होना, वो तो फिर एक बात की बात है। क्लिनिकल डिप्रेशन में कई बार आपके फिर जो बायोकेमिकल इम्बैलेंस होने की भी कई बार सिचुएशन रहती है। बायोकेमिकल मतलब हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है, आपने सुना होगा हैप्पी हॉर्मोन्स, तो हैप्पी हॉर्मोन्स आपको अच्छा फील कराते हैं, और अगर हैप्पी हॉर्मोन्स की कमी होगी आपकी तो फिर आप अच्छा फील नहीं करेंगे। आपने सुना होगा ज्यादातर हम कई बार कहते हैं आज बड़ा लो फील हो रहा है, कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, मन नहीं लग रहा है। और अभी जो एक नई रिसर्च आई थी उसमें शो कर रहे थे कि अगर आप बहुत एक लंबी वॉक पे चले जाते हैं, आप अच्छा कुछ म्यूजिक सुनते हुए काफ़ी अगर लंबा वॉक करेंगे, तो आप एंग्जाइटी और इस तरह की जब आपको फीलिंग आती है, क्योंकि उस समय क्या होगा, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज आपके गुड हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, हैप्पी हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, तो फिर उससे आपको फील गुड फैक्टर आता है। तो इमोशन को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, पर ऐसा नहीं है कि जब सिचुएशन कोई आ रही है उस सिचुएशन में हम कहें कि आप डीप ब्रीदिंग करिए या कुछ आप ऐसी म्यूजिक सुनना शुरू कर दीजिए, एकदम से उस टाइम काम नहीं करेगा, वो रेगुलर आपको कंडीशन करना होगा, कंडीशन पहले से। तो इमोशनल जिमिंग में भी यही आता है, इमोशनल जिमिंग में भी ये सभी चीजें आ गई आपकी, कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप अच्छा म्यूजिक सुन रहे हैं, आप जब घर जा रहे हैं शाम को, उसको जाने के बाद आप थोड़ा सा कुछ भी जो आपका हॉबी आप उसको आप फॉलो कर रहे हैं। अब कई बार आपने सुना होगा कि ऐसी सिचुएशन में हम कई बार कि अच्छा मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहा हूँ, और अभी मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक लेने में भी आप क्या करेंगे, आप मोबाइल उठाएंगे, मोबाइल उठाने के बाद आप इंस्टा को स्क्रॉल करते रहेंगे, तो वो तो एक्चुअल में ब्रेक हुआ ही नहीं, आप फिर से अपने आप को स्टिमुलेट कर रहे हैं। या रात को सोते टाइम भी आप बार बार चेक कर रहे हैं और मैसेज चेक कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल में रेस्ट नहीं हुआ। क्योंकि रेस्ट भी लोग कई बार कंफ्यूज्ड हो जाते हैं रेस्ट को लेकर, इवन उनको लगता है कि जो लंच ब्रेक कर रहे हैं वो रेस्ट है, मेरा ब्रेक है, नहीं, उस समय भी आप मोबाइल पे हैं तो वो एक्चुअल में ब्रेक नहीं हुआ। तो एक्चुअल में रेस्ट करना, सही रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, मतलब नींद भी ठीक ज़रूरी है और रेस्ट भी, अगर बीच में आप ब्रेक ले रहे हैं तो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए ज़रूरी है। और जैसा डिप्रेशन में मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन में कई बार कुछ हमारे स्ट्रेस हार्मोन बढ़े हुए मिलते हैं, हमारे कुछ इन्फ्लामेटरी मार्कर्स जैसे CRP वगैरह हो गया, ऐसे ब्लड टेस्ट, ये भी कई बार बढ़े हुए मिलते हैं। तो डिप्रेशन क्या, जो अगर किसी को कोई डिप्रेशन, वो डिप्रेस फील कर रहा है लेकिन उसे पता नहीं कि वो डिप्रेशन है भी या नहीं, तो ये भी हम क्या टेस्ट जान सकते हैं? डिप्रेशन के आम तौर पे तो कई बार हम सिम्टम्स ही फील करते हैं कि जिसमें हमें लो फील करना ज़्यादा बार बार, और किसी भी काम करने का हमारा मन नहीं करना, या कई बार आपने सुना होगा एक टर्म कि मेरा बिल्कुल अब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा मुझे ज़्यादा सोने का मन कर रहा है, ज़्यादा खाने का मन कर रहा है, तो पहले की जो हैबिट्स थी उनमें कुछ ऐसा बदलाव आपको, आप थोड़ा सा सोशल आप हैं बट आप सोशली सब चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं, तो इस तरह के कुछ सिम्टम हो गए। बट हाँ, ब्लड टेस्ट कुछ ऐसे होते हैं जो उस तरफ इशारा करते हैं कई बार, जैसे विटामिन डी एंड B12 डेफिशिएंसीज भी आपके मूड को अफेक्ट करती है। कुछ लोगों का विटामिन डी एंड B12 अगर कम मिलेगा तो उन लोगों में कई बार ये मूड
आपकी जो इश्यूज हैं वो उनमें ज़्यादा रहते हैं। तो एक विटामिन डी, एक विटामिन B12, अपना थायराइड टेस्ट ज़रूर करा लें, क्योंकि वो भी काफ़ी एक मेन आपका हार्मोन होता है। कोर्टिसोल लेवल आप करा सकते हैं, इन्फ्लामेटरी वाले टेस्ट जैसे CRP वगैरह, ये वाले इशारा दे देते हैं कि बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रेस हो रहा है, पर उस स्ट्रेस को आप कहीं ना कहीं सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं किसी भी वजह से, या कोई एडिक्शन हो सकता है या कुछ ऐसा ईटिंग हैबिट्स की वजह से। तो ये इन्फ्लामेटरी मार्कर डायरेक्ट इशारा कर देते हैं कि स्ट्रेस से आप डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर भाटी, एक और चीज़, अभी जिस तरह से आप रिसर्च की बात कर रहे, रेफरेंस दे रहे थे, अभी एक खबर आई कि पैरासीटामोल वो फेल हो गई अपने टेस्ट में। पैंडी, मतलब मुझे याद है कि पैंडी मैंने अपने हर घर में, घर के हर सदस्य को खाते हुए देखी है ना, और पैरासीटामोल बहुत हैबिचुअल, लोग पूछते भी नहीं है, बस एक पत्ता गोली निकाली और खा ली। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि सरकार अब इस चीज़ के ऊपर उन्होंने अपनी जो टेस्टिंग स्ट्रेटजी है उसको और भी ज़्यादा फास्ट ट्रैक पे किया, और जैसे अभी कर भी रहे हैं, CDSO हमारे जो डिपार्टमेंट है जो कि चेक करता है कि मेडिसिन आपकी ठीक से, तो उसमें जो रैंडम सैंपल उठाए गए उसमें पाया गया कि कुछ दवाएँ थी, उन दवाओं के अंदर वो क्वालिटी के अंदर फेल हुए हैं। तो उसके बाद उसके ऊपर अब कार्रवाई आगे की चल रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब ऐसी चीज़ें होंगी तो इसको ले, इससे लोग ज़्यादा अवेयर होंगे, पर आम लोगों को कुछ चीज़ों को ध्यान ज़रूर रखना है। जो शहरों में रहते हैं वो ज़्यादातर बारकोड से आप चेक कर सकते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट आप चेक ज़रूर करें, और उसके अलावा आप कोई भी मेडिसिन किसी भी तरह की ले रहे हैं तो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड लें। कई बार हम ओवर द काउंटर दवा लेते हैं तो वो कई बार हमारे लिए ठीक नहीं होती, तो डॉक्टर से अगर आप प्रिस्क्रिप्शन के साथ दवा लेंगे तो डेफिनेटली एक ठीक रहेगा। और दवा लेते समय आप उसका बिल ज़रूर ले लें। तो कई बार आप बिल लेते हैं, रिसिप्ट लेते हैं, तो वहाँ पर किसी भी तरह की नकली दवा होने के चांसेस कम बन जाते हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर रहता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, सही दवा बेचने का। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही आप चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। जो गवर्नमेंट अपने स्तर पर कर रही है वो ज़्यादा टेस्टिंग बढ़ा रही है ताकि ऐसी कुछ भी दवाएं हैं उनके ऊपर उनको रोका जा सके, बाजार से उनको हटाया जा सके, उनको बैन किया जा सके। पर अगर हम बात करें एज अ लेमैन, वो क्या ध्यान रखें, क्योंकि जैसे आपने बात की पैरासीटामोल, पेन किलर्स, ये सब तो बड़ी कॉमन है और कई बार हम हाँ। ले लेते हैं। अगर इसका इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, आपको इसका असर नहीं हो रहा, या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, तो उसको तो आपको ही नोटिस करना है और आपको डॉक्टर को बताना है कि मैं ब्लड प्रेशर की दवा ले रहा हूँ पर फिर भी उसका असर नहीं हो रहा, मेरा ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें कुछ आपको व्यक्तिगत तौर पे हमें ध्यान रखनी है, पर जितना ज़्यादा, जैसे हम आज भी बात कर रहे हैं, ये अवेयरनेस है ना, हम जितना अवेयर करेंगे लोगों को उतना ज़्यादा लोग अवेयर रहेंगे। तो सरकार की अच्छी पहल है कि उन्होंने टेस्टिंग की प्रक्रिया ज़्यादा बढ़ाई है और ऐसी दवाओं को हम चेक कर पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं जिनमें कुछ मिलावट है या जो असरकारक नहीं है। टेस्ट की बात यहाँ पर हुई, आजकल पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि टेस्ट को लेकर भी स्कीम्स आती हैं, जो लैब टेस्ट होते हैं पैथोलॉजी टेस्ट में, कि इतना बहुत कम से कम कीमत में टेस्ट करने की कहीं होड़ मची हुई है, और कहीं हम जाते हैं तो वहाँ टेस्ट इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि आम आदमी थोड़ा बचता है पैसे खर्च करने से। तो देखिए, टेस्ट को लेके मैं कई बार, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ज़्यादातर लोगों से या युवाओं से, यूथ से, किसी से भी बात करता हूँ कि आप अपना टेस्ट आपने कब कराया, आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपने कब कराया, अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लास्ट आपके साथ शायद 2 हफ्ते पहले। हाँ, तो वो कॉर्टिसोल टेस्ट, क्योंकि वो भी मैंने देखा था कहीं तो उसके अलावा नहीं करा। एग्जैक्टली, तो अब जैसे आपने कॉर्टिसोल टेस्ट कराया, ऐसे या कमी क्या आती है वहाँ पर, हम कुछ ऐसे टेस्ट करा लेते हैं जिनकी ज़रूरत है या नहीं है, एक तो वो। दूसरा, हम ज़्यादातर, आपने जो स्कीम की बात की कि हमने ऐसे चेक किया कि एक मास्टर हेल्थ प्लान, उसमें 100 ब्लड टेस्ट हैं, अब उन 100 ब्लड टेस्ट का हमारे लिए कुछ यूज़ है कि नहीं है, और ब्लड टेस्ट नहीं बता पाएगा सारी बीमारियां। जैसे आप सडन हार्ट अटैक की बात कर रहे थे, ब्लड टेस्ट ज़रूरी है, वो एक इशारा दे देंगे। ब्लड टेस्ट में बस मेन आपका कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये बेसिक से टेस्ट हो गए, इसके अलावा लीवर किडनी फंक्शन टेस्ट, बट और इसके अलावा भी कुछ टेस्ट कराने की हमें ज़रूरत पड़ती है। फैटी लीवर के लिए भी कुछ जांच होती है, हार्ट का फंक्शन कैसा है, हार्ट में अगर आप हाई रिस्क फैक्टर हैं तो हार्ट में कोई प्लाक तो डेवलप नहीं हो रहा, प्लाक ही कई बार हार्ट अटैक का कारण बनता है,
हार्ट का फंक्शन ठीक है कि नहीं। फीमेल्स में जैसे ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर के मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए कुछ जांच होती है। मेल के अंदर जैसे आफ्टर 45 प्रोस्टेट कैंसर के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कई बार आपको अल्ट्रासाउंड, इको या कुछ और जाँच भी कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो कम्प्लीट हेल्थ चेकअप का मतलब ये नहीं है कि आप ब्लड टेस्ट आपने करा लिया उससे आपको फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगा कि मेरा सब कुछ ठीक है। कुछ और भी जाँचें, और जब भी आप जाँच कराएँ तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। डॉक्टर आपकी फैमिली हिस्ट्री पूरा, आपका वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह का, आपकी नींद कैसी है, आपकी लाइफ में और कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है, कहीं आप स्मोक तो नहीं करते, ये सब कारणों को जानेंगे, देखेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए क्या, आपकी एज के अकॉर्डिंगली क्या टेस्ट ज़रूरी है मेल या फीमेल, और वो आपको फर्दर एडवाइस करेंगे। पर ज़्यादातर लोग एक सवाल पूछते हैं कि जी मुझे लग रहा है जी ज़्यादातर लोग कहते हैं कि देखिए टेस्ट करा लिया, कुछ निकल गया तो क्या होगा। हाँ, तो अब कुछ निकल गया तो आप टाइम से उसको करेक्ट कर सकते हैं ना। आपको अगर प्री डायबिटीज़ है, अगर वो निकल गई समय से तो आप ठीक कर सकते हैं, आप डायबिटिक होने से बच सकते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अगर आया है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये सोचना, इस तरह की सोच रखना कि अगर कुछ निकल गया तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। टेस्ट का मतलब है कि समय मतलब रहते टेस्ट रिजल्ट्स को हमें पॉजिटिवली लेना है कि कुछ निकल भी गया तो उसे हम वक्त रहते ठीक कर सकते हैं। एक और बात डॉक्टर भाटी, जो एक कॉमन परसेप्शन है ना हम लोगों के बीच में कि यार ठीक तो हूँ मैं, चल रहा हूँ, प्रॉपर ऑफिस आ रहा हूँ, है ना, ठीक हूँ, फिट हूँ, मतलब ठीक है, मेरा वेट मेंटेन है, फिट हूँ, लेकिन क्या यही फिटनेस के मापदंड होते हैं? तो देखिए, फिट होना, फिट महसूस करना, फिट दिखना और अंदर से फिट होना, हेल्दी होना में बहुत ज़्यादा फर्क है। और अभी तो आपने देखा भी होगा कई बार जब यंग हार्ट अटैक की बात करते हैं और ऐसे, तो उसमें ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ और आप इनको देखा होगा आपने कि वो दिखने में तो फिट हैं, तो फिट दिखना और हेल्दी होने में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो वहाँ पर प्रिवेंटिव हेल्थ टेस्ट का बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है। और रही बात जैसे आपने बताया कि मैं तो अच्छा महसूस कर रहा हूँ, जब आपको लक्षण आना शुरू हो गए, जब आपको सिम्टम होना शुरू हो गया, जब आपको चेस्ट पेन हो रहा है, जब आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, उस समय तो देर हो जाती है। तो लक्षण आने तक का हमें वेट थोड़ी करना होता है, हमें हम जब हेल्दी हैं जबी हमें अपने प्रिवेंटिव हेल्थ टेस्ट कराने होते हैं कि हम ऑन ट्रैक हैं या नहीं, ऑन ट्रैक है या नहीं। और स्पेसिफिकली एटलीस्ट 20-25 साल की उम्र में, खास तौर पे मैं ज़्यादातर सबको सजेस्ट करूँगा कि 30 साल की उम्र में तो आप ज़रूर अपने कुछ टेस्ट करा लें। वो एक लाइफ हमारी ऐसी होती है सैंडविच की तरह, हमारे पास पेरेंट्स का जो एल्डरली हो गए उनका प्रेशर है, हमारी हम न्यू मैरिड लाइफ में हैं, हमारे पास बच्चों का प्रेशर है, वर्क अगर हम कर रहे हैं वर्किंग प्रोफेशनल वो एक प्रेशर है, तो वो वाली एक सैंडविच लाइफ होती है हमारी। उस समय आपको ज़रूर अपने हेल्थ में क्या चल रहा है अंदर शरीर में, उसके लिए जाँच कराना ज़रूरी है। बहुत अच्छी बातचीत थी डॉक्टर भाटी आपके साथ, कि जिस आपने बताया किस तरह से हमें हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही कुछ ऐसे कदम है जो उठा ले तो बेहतर रहेगा, हमें अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, शुक्रिया।